गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज अ प्रोग्राम यूज टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट ऑन अ कंप्यूटर। एमएस वर्ड एक प्रोग्राम है जिहड़ा कि कंप्यूटर ते टेक्स्ट नू टाइप ते एडिट करन लई यूज कीता जांदा है। टेक्स्ट दा मतलब है कोई भी रिटन फॉर्म, किसी भी भाषा का लिखती रूप। टाइप का मतलब है लिखना, तो एडिट का मतलब है कोई भी चेंज करना। नाउ लेट वी डिस्कस हाउ टू स्टार्ट एमएस वर्ड। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करो, दैन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करो, दैन क्लिक ऑन एमएस वर्ड, फिर एमएस वर्ड पर क्लिक करो। एमएस वर्ड स्क्रीन विल बी अपीयर। Now let we discuss the main components of MS Word 2010. The picture you are watching is the different components of MS Word. The title bar is present at the top of the screen. It displays the name of the document and program name. It has quick access toolbar on the left. Quick access toolbar has shortcut icons for the most commonly used commands such as undo, redo and save. MS Word स्क्रीन के टॉप से टाइटल बार प्रेजेंट हुंदा है। इत्थे डॉक्यूमेंट ते प्रोग्राम का नेम शो हुंदा है। इत्थे क्विक एक्सेस टूल बार हुंदी है लेफ्ट साइड ते। क्विक एक्सेस टूल बार च कुछ शॉर्टकट आइकनस हुंदे हन जिहड़े कि कुछ कमांड्स नू यूज़ करन वास्ते यूज़ किए जाते हैं। कमांड्स के नेम ने अंडू, रीडू एंड सेव। टाइटल बार की राइट साइड ते 3 बटनस हुंदे ने। The title bar also contains minimize, maximize and close buttons. These buttons are present at the right corner of the title bar. Below of the title bar there is a ribbon. The ribbon has 2 parts, tabs and groups. Each tab has commands. When you click on a tab, it opens displaying commands in different groups. Ribbon de 2 parts hunde han. टाइटल बार तो नीचे रिबन हुंदा है। रिबन दे 2 पार्ट्स हुंदे हन, टैब्स एंड ग्रुप्स। हरेक टैब दे कमांड्स हुंदे हन। जदों टैब ते क्लिक कीता जांदा है टैब ओपन हुंदी है जो कि वक्रियां वक्रियां कमांड्स नू डिस्प्ले करदी है। फाइल टैब, फाइल टैब इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिबन। इट हैज़ कमांड्स सच एज प्रिंट, सेव, ओपन एंड सो ऑन। फाइल टैब रिबन दे लेफ्ट कॉर्नर साइड ते मौजूद हुंदी है। इहदे च कमांड्स हुंदियां हन प्रिंट, सेव, ओपन ते होर बहुत सारियां। दैन डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया ब्लैंक वाइट एरिया जिहड़ा कि तुसीं देख रहे हो, इस नूं टैक्सट टाइप करन वास्ते यूज़ किया जाता है। दैन रूलरस, देयर आर 2 रूलरस, हॉरीजोंटल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। द हॉरीजोंटल रूलर इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एरिया। इट इज़ यूज टू सेट लैफ्ट एंड राइट मार्जनस। हॉरीजोंटल रूलर डॉक्यूमेंट एरिया के टॉप पर मौजूद हुंदा है। इसनों लैफ्ट ते राइट मार्जन सैट करन वास्ते यूज़ किया जाता है। दैन वर्टिकल रूलर, वर्टिकल रूलर डॉक्यूमेंट एरिया की लैफ्ट साइड पर मौजूद हुंदा है। इस नूं उपर ते हेठां वाला मार्जन, पेज का उपर ते हेठां वाला मार्जन सैट करन लई यूज़ किया जाता है। दैन करसर, अ करसर इज़ द स्मॉल फ्लैशिंग वर्टिकल लाइन इन द डॉक्यूमेंट एरिया। इट शोज़ द पोजिशन ऑफ द टैक्सट यू टाइप। करसर एक छोटा जिहा फ्लैश करदा वर्टिकल लाइन हुंदी है। डॉक्यूमेंट एरिया विच एक छोटी जिही फ्लैश करदी वर्टिकल लाइन हुंदी है जिहड़ी कि टैक्सट दी पोजिशन दसदी है, टैक्सट की जगह दसदी है जिथे असी टाइप करते हाँ। दैन स्टेटस बार, द स्टेटस बार इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ऑन द लेफ्ट हैंड। इट डिस्प्लेज द पेज नंबर एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। स्टेटस बार स्क्रीन के सब तो नीचे मौजूद हुंदा है। लेफ्ट एंड ते पेज नंबर, जिहड़ा पेज, जिहड़े पेज से टाइप कर रहे हैं उस पेज का नंबर एंड जिन्ने वर्ड्स टाइप हो रहे हैं उसकी गिनती शो करता है। राइट एंड ते 2 बटनस हुंदे ने, व्यू बटनस एंड जूम स्लाइडर। व्यू बटन डॉक्यूमेंट नू अलग अलग वेज दे विच देखण च हैल्प करता है। जूम स्लाइडर व्यूइंग एरिया नू घटाउण जां वधाउण दे लई यूज़ किया जाता है।
Next is scroll bar. There are two scroll bars. The vertical scroll bar is present at the right of the screen. It helps to move the document area up or down. The horizontal scroll bar is located above the status bar. This helps to move the document area left and right. Two scroll bars hunde han, vertical and horizontal. Vertical scroll bar screen the right side te maujood hunda hai. Eh डॉक्यूमेंट एरिया नूं उपर ते हेठां मूव करन लई यूज़ किया जाता है. हॉरिजोंटल स्क्रॉल बार स्टेटस बार के उपर मौजूद हुंदा है. यह डॉक्यूमेंट एरिया नूं लैफ्ट एंड राइट साइड मूव करन लई हेल्प करता है. Now we are going to learn how can we create a new document in MS Word. असी MS Word विच एक नवा डॉक्यूमेंट नवी फाइल किवें बना सकते हाँ. To create a new document, follow these steps. Click on File tab. Then click on New, click on Blank Document, and then click on Create. A document appears where you can type text. एक document create हो जाएगा जिते तुसी text नू type कर सकते हो. In next video, we will do how can we format text in MS Word, how can we save a document, how can we open a saved document. These topics we will do in next video. Today your computer homework is read chapter 6 introduction to word page number 62, 63, 64 and 65. Thank you.